आपको हर बार बताया, अब शेयर प्राइस इसको ऊपर लगातार नहीं जा रहा है तो इससे आपको मायूस किस वजह से होना है, ये मैं आपसे पूछ बहुत ज्यादा कर्जा है। किसी को पता है ये? नहीं पता है, ये सबको पता है कर्जा है। इनके जो ग्राहक हैं वो निकलते जा रहे हैं। 5G जो है वो, ये अभी लाने गिरावट हो रही है, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 रुपए गिरावट हो गई है और हम अपने को ठगा सा महसूस करते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या। फेवरेट जो शेयर था IOB, जिसे मैंने काफी दिनों से होल्ड किया था, उसने भी अच्छी खासी ग्रीन था। बनाने के सारे शेयर तेजी की तरफ होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बचाना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, अडानी इंटरप्राइजेज की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जिस तरीके से मार्केट में, बैंकों में तेजी आती जा रही है, अदर सेक्टर में भी काफ़ी तेजी आपको शेयरों में देखने को मिल रही है, ये आने वाले दिनों में आपको थोड़ी गिरावट भी करके दिखा सकती है, ये भी आपको सोचना है सर। क्योंकि जब सारे के सारे शेयर तेजी की तरफ होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बचाना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखना सर, जिस तरीके से आज तेजी के मोल आपको अपने पोर्टफोलियो में ग्रीनता के साथ मिले हैं, तो उन प्रॉफिट में थोड़े से हमें अपने प्रॉफिट को अपनी झोली में करना एक अच्छा काम हो सकता है। ये मेरी राय नहीं है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे आपको लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अपने अनुसार अपना प्रॉफिट और लॉस देखना बहुत ज़रूरी होता है सर, ये मैं आपको बता दूँ। आज तो मेरा फेवरेट जो शेयर था IOB, जिसे मैंने काफ़ी दिनों से होल्ड किया था, उसने भी अच्छी खासी ग्रीनता बनाई हुई है। तो IOB पे मैंने आपको बीते दिनों में ही कहा था कि भाई IOB में कहीं ना कहीं तेजी के संकेत हैं और इस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, इंडियन ओवरसीज बैंक पे। कभी कभी क्या होता है सर कि हम कोई अच्छा शेयर ले लेते हैं, जैसे हमने HDFC बैंक ले लिया, या हमने कोई मदरसन सुमी ले लिया, LIC ले लिया, या इस तरीके कोई अच्छे शेयर हमने अपनी झोली पे रख लिए। अब होता क्या है सर, जब हमने शेयर लिया तो वो शेयर वहाँ से गिरना शुरू, गिरावट हो रही है, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 रुपये गिरावट हो गई है, और हम अपने को ठगा सा महसूस करते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया है, क्योंकि हमने तो सर शेयर को अच्छा समझ कर लिया था, अब वहाँ पर हम फंस गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, वहां पर आप फंसे नहीं है सर, वहां पर आपने अपनी मनी को सेव किया है। वो कैसे सेव किया है ये मैं आपको बताऊंगा सर। मेरी बात सुनो सर, अगर आप अच्छे शेयरों में पैसा ना लगाकर उन शेयरों में पैसा लगाते जिनकी उम्मीद नीचे से ऊपर जाने की संभव नहीं होती है, काफी सालों बाद होती है, तो वहां पर हम ठगा सा महसूस अपने को कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी मनी कुछ ऐसे शेयरों में लगाते हैं जो आपको बाद में वो वहां तक आकर दिखा सकता है, HDFC बैंक अगर को गिरावट कर रहा है तो वो वहां पर आके जरूर दिखाएगा जहां से आपने उसको खरीदा है। बाद में इन शेयरों में एवरेज भी हो सकता है, जैसे LIC हो गया, ये सब शेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें हम अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं सर। ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने अपनी मनी को सेव किया है। अगर यही पैसा किसी और में लगाते सर, वो फिर कब बढ़ता, ये मैंने आपको भी बताया, लेकिन ये पैसा आपका कभी ना कभी पूरा हो जाएगा। तो यानी कि जो पैसा हमने अच्छे शेयरों पे लगाया है वो हमारा पैसा सेफ होता है, वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल ही जाता है। तो कभी भी ऐसा मत करना कि अच्छे शेयरों में पैसा लगाया सर हम फंस गए हैं, कोई नहीं सर, आपका पैसा पड़ा है, सेफ पड़ा है, वो तो तब होगा ना जब आप लॉस में निकलोगे। जब तक के वो पैसा आपके अच्छे शेयरों में लगा हुआ है ना, तो तब तक के आप बिल्कुल निश्चिंत हो, सेफ हो। लेकिन जो वही पैसा आप पेनी स्टॉक में डाल देते हो, फिर वहाँ पर वो पैसा डूबने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कभी ऐसी बातें आपको नहीं करनी है, ये भी एक आपको माइंड सेट करना है। बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया ने जिस तरीके से अपने लॉस को ज़्यादा बढ़ा दिया है और खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया है, और अभी इनके जो 6 मिलियन जो इनके ग्राहक है, इसे वोडाफोन आइडिया ने खो दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तो सर निगेटिव टर्न मैंने आपको तो पहले ही बता दिए थे, जिस तरीके से इसके अंदर जो सरकार के स्टेक नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से इंडस टावर अपने स्टेटमेंट को बदला है, फिर वोडाफोन आइडिया ने कहा ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर इसका एक रिजल्ट जो है इसमें गिरावट के आसार लेकर आ रहा है। लेकिन एक ऐसी बात है कि इसके अंदर ज़्यादा गिरावट वो रिजल्ट के माध्यम से नहीं हो पाई है, क्योंकि लोगों को तो पहले पता है ना सर, इनके अंदर 2 लाख करीब का कर्जा है, वो अब 2.2 लाख करोड़ का हो गया है।
ये सबको पहले पता है और जिस तरीके से इन्होंने अपने प्लान को भी बंद किया था वो भी एक निगेटिव इसके अंदर असर डाल रहा था। इनका उजाला 5G आने के बाद ही बदलेगा सर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कर्जा है, किसी को पता है या नहीं पता है? ये सबको पता है कर्जा है, इनके जो ग्राहक हैं वो निकलते जा रहे हैं, 5G जो है वो ये अभी ला नहीं रहे हैं, सरकार इसके अंदर स्टेक है वो ले नहीं रही है, फंड की उम्मीद हमें कहीं से दिख नहीं रही है, 20,000 करोड़ रुपए की जो फंड आना है वो बार बार बातें हो रही हैं, बैंक भी सरकार के बाद ही इनको लोन देने के लिए तैयार होगा, ये तो सर सबको पता है। इसमें कुछ नया क्या है सर? जब ये सारी चीजें हमें पता है तो उसके बाद ही तो इसके अंदर हमने स्टेक लिया है। वो किस लिए लिया है? एक 5G की उम्मीद से। एक जो अधिकारी ने बोला था डॉट के कि यहां पर तीन नीति, आपको एक बात जाननी पड़ेगी सर, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात में देश का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित कर दिया है। निजी कंपनियां रहेंगी और एक सरकारी कंपनी रहेगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात रखती है सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसने जो रिजल्ट दिया उससे ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, इसमें आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से फंड जुटाने की अपनी चीज़ों में लग गया है ना, यही इसके अंदर उजाला डालेगी। और कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं हो सकता जिसकी वजह से आपको 15-20 रुपए में मिले। सारी चीजें इसकी सरकार पे टिकी हुई है, 5G आने पर टिकी हुई है, फंड पर टिकी हुई है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कर्जा इनके पास इतना ज्यादा है ये सारी लोगों को पता होगा, वो सोच समझकर इसलिए सर शेयरों में एंट्री करनी चाहिए। जब हम सोच समझ कर एंट्री करते हैं ना, भाई इस पर इतना कर्जा है, इसे यहाँ से ऑर्डर नहीं मिल रहा, सब्सक्राइबर, तो वहाँ पर हम प्रिपेयर हो जाते हैं, हाँ भाई फिर कुछ अच्छा होगा तभी शेयर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर सर आपको अपने अनुसार थोड़ा सा होल्ड तो बनी रहा है जब तक कि सरकार इसके अंदर से बिल्कुल निश्चित ना करे कि भाई वो चीज़ें कब हो रही है। वो एक आस है, वो आस पे ही सर हम इसमें टिके हुए हैं, बाकी तो कोई और आस इसके अंदर दिख ही नहीं रही है, क्योंकि सारा का सारा मसला सरकार के स्टेक से है। अब रिजल्ट भी इन्होंने सर दे दिया, लॉस तो आना ही था सर। बात करेंगे यस बैंक की, जिस तरीके से यस बैंक में मैंने आपको 3 दिन पहले एक जो वीडियो बनाई है, मैंने कहा आप भूल रहे हो कि इसने जो जेसी फ्लावर को 48,000 करोड़ रुपए का अपने लोन जो है, जिसकी वजह से बैंक को टेंशन हो रही है, इस नवंबर में देने का वादा किया है, तो इस वजह से तेजी आ सकती है सर। बताया था सर मैंने आपको ये 2 दिन पहले, और कल भी जो एक न्यूज़ निकल कर आई है कल भी यही आई है कि प्रशांत कुमार जी ने इस तरीके का बोला है कि एंड में, नवंबर के एंड में कर देंगे। तो मैंने आपको न्यूज आने से पहले अपने माइंड से ये चीज़ें वीडियो बनाकर बता दी थी सर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी यस बैंक की, आप देख लेना, तो आप ये देखो कि मैं किस तरीके से आगे की सोच रहा हूँ। और वही न्यूज़ निकल कर सर फिर कल आई है कि हाँ जेसी फ्लावर को ये प्रशांत कुमार जी ने कहा है कि 48,000 करोड़ रुपए के जो है इस महीने कर देंगे पूरा। तो इससे क्या प्रतीत होता है सर कि इससे न्यूज़ तो आ जाती है पुरानी, लेकिन उसे हम भूल जाते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको यस बैंक में तेजी का एक मुख्य कारण बताया था, आपको ये समझकर चलना चाहिए। आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए जो मैंने आपको कल भी बताई थी, बार बार बताऊंगा, रूस वाली, ये आपको भूलना नहीं है कि रूस का जो व्यापार हो रहा है जिसमें रुपये से व्यापार होगा वो सर यस बैंक और यूको बैंक के साथ हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज है, इसे कहीं आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और अभी तो मैंने आपको कहा है कि यस बैंक में तेजी के माहौल आपको आगे भी एंड तक देखने को मिल सकते हैं, फिर भी अपने जो जिस तरीके से तेजी ज़्यादा होती जा रही है, जहाँ जहाँ आपको अपना प्रॉफिट आता है तो थोड़ा सा फिर उससे मायूस नहीं होना कि भाई नीचे की तरफ आ गया। तो यही खेल है सर कि अगर हम शेयरों को सही तरीके से सही एनालाइज करके लेकर बैठते हैं, वो उजाले आपको आने वाले दिनों में दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको यस बैंक से संतुष्ट नवंबर के एंड में जो ये कर रहे हैं उस वजह से आपको ये तेजी के संकेत देख रहे हैं, ये मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और आगे भी इसके अंदर तेजी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आपको समझना ही चलना पड़ेगा। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की सर। देखो सर, सुजलोन एनर्जी में जिस तरीके से मैं आपको समझा चाहता हूँ उस तरीके से कुछ लोग समझ रहे हैं। मैंने कई बार आपको कहा है कि सुजलोन एनर्जी सर भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपने को कारोबार को बढ़ाएगा और बढ़ा ही रहा है धीरे धीरे। ऑर्डर बुक इनके पास सर जो है काम के अनुसार इनको मिलती रहती है। एक बात आपको समझना सर कि अगर अंदर का मैनेजमेंट आपको ये बोल रहा है कि आप हमारा काम देख लो, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि काम ही बोलता है, ये मैंने आपको हर बार बताया। अब शेयर प्राइस इसका ऊपर लगातार नहीं जा रहा है तो इससे आपको मायूस किस वजह से होना है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए जब वीडियो बनाई थी मैंने कहा भाई जब गिरावट तो हो रही है लेकिन 20 तारीख से पहले पहले इसके अंदर तेजी आएगी। उस दिन तेजी आई थी सर,
लेकिन सबसे बड़ा जो एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अडानी ग्रीन ने जो लोन को ऑर्डर दिया था ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर रखता है। आपको एक बात जाननी पड़ेगी सर, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात में देश का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित कर दिया है। अब जब इतना बड़ा व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो वर्क है बहुत पॉजिटिव की तरफ है, विंड टर्बाइन का यानी कि पवन ऊर्जा का। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। ये चीज़ें बनाई गई हैं सर, वो मुद्रा विंटेक लिमिटेड ने बनाई है, जो अडानी इंटरप्राइजेस की एक सहायक कंपनी है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने स्टेचू ऑफ यूनिट जो है उससे भी बड़ा 200 मीटर का विंड टर्बाइन स्थापित कर दिया है गुजरात में, इसने आने वाली दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन एक जंग छेड़ दी है सुजलोन के सेरों पे अपनी नज़र रखने के लिए, क्योंकि वो भी वही काम करता है जिस तरीके से अडानी जी ने देश का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित कर दिया है। और जब हम और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि अडानी ग्रीन ने ऑर्डर ही सुजलोन एनर्जी को दिया है विंड टर्बाइन के लिए, तो यहाँ पर हमें एक ऐसी राह मिल गई है कि विंड टर्बाइन जो भी स्थापित आगे जाकर हो ज़्यादा होंगे, वो सुजलोन एनर्जी भी इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। साथ जो ये विंड टर्बाइन स्थापित किया गया है, ये 5.2 मेगावाट बिजली पैदा करेगा सर। इससे सर 4000 घरों में बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। आप एक बात देखो सर कि इतना बड़ा विंड टर्बाइन उन्होंने स्थापित किया है और ये इसकी वजह से 4000 घरों में बिजली देंगे, तो ये कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है कि आगे जाकर और कंपनियां भी ऐसा वर्क करेंगी सर, बिल्कुल करेंगी। और जब आगे जाकर इस तरह के वर्क और कंपनियां भी करेंगी, तो सुजलोन एनर्जी को कहीं ना कहीं से ज़रूर ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा वर्क सुजलोन एनर्जी करती है। तो ये आज जो अडानी जी के हाथों जो ये काम हुआ है, देश का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन जो गुजरात में लग गया है, ये एक दिशा हमें सुजलोन एनर्जी में पॉजिटिव दे रहा है। ध्यान रखना सर कि सेरो की जो नॉलेज है ना, वो आपको उसके काम के प्रति निकल कर आएगी। कभी भी आपको कुछ भी चीज़ें न्यूज़ के द्वारा पता लग जाती है, वो आने वाले दिनों में उस सेरो पे इम्पैक्ट जरूर डालती है, भले ही ये वो उस दिन इम्पैक्ट ना डाले। तो न्यूज़ हर चीज़ को काम बिगाड़ देती है, न्यूज़ हर काम को बना देती है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आज मार्केट तरीके से मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली, और कल ही से ये न्यूज़ शुरू हो जाए, मंदी होने वाली है या कुछ संकट होने वाला है या युद्ध होने वाला है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके मन में क्या आएगा कि हाँ भाई कुछ मंडे से गिरावट होएगी। ये आपके मन में ऑटोमेटिक आएगा। वो कब आया सर? चार्ट से तो आने का नहीं, वो आपको न्यूज़ के द्वारा आएगा। भाई न्यूज़ ऐसी निगेटिव आ गई है, भाई अमेरिका के बाजार गिर रहे हैं, कहीं हमारे बाजार ना गिर जाए, एशिया के होता सर इस तरह का। तो ये सारी चीज़ें जो खेल है न्यूज़ को जानने का, और इसकी वजह से ही मैंने आपको वेदांता बताया था। कैसा लगा सर वेदांता? मैं फिर कह रहा हूँ, वेदांता को 2 से 3 साल देना पड़ेगा, और जब आपने वेदांता को 2 से 3 साल दिया, बहुत ही पॉजिटिव आपका वो चीज़ें हो जाएंगी सर। वो भी आपको आज बताना ज़रूरी था कि शेरों को उसके रिजल्ट से ना आका करो, शेरों को उसके काम से और उसके जो मैनेजमेंट बोलते हैं ना, उससे हमें आंकना चाहिए। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारा जो सुजलोन एनर्जी है, भले ये तेजी के संकेत ना दिखा रहा हो, अगर इस शेयर को ज़्यादा नहीं बढ़ना होता ना सर, अगर इस शेयर में कोई उम्मीद नहीं होती ना सर, तो इसके जो राइट इशू 1200 करोड़ रुपए का आया था ना, उसके अंदर 1.8 गुना इनको इतना ज़्यादा राइट इशू ना मिलता, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात होती। वो कौन लोग हैं फिर इसके अंदर जिन्होंने इसका राइट इशू बढ़ चढ़ कर लिया है, ये फिर सोचने का विषय बन जाता है। तो सारे तथ्यों को एक दूसरे के साथ जोड़िए, और अडानी जी ने जिस तरीके से विंड टर्बाइन में देश का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्थापित कर दिया है, उससे सुजलोन एनर्जी की भी राह आगे जाकर खुल सकती है, क्योंकि अलग प्लेयर भी इसके अंदर कूदेंगे इस तरह का काम करने के लिए। हो सकता है कि वो ऑर्डर जो है
फिर सुजलोन एनर्जी को भी मिलना शुरू हो जाए क्योंकि ये वो काम करती है। यस बैंक में आपको आने वाले दिनों में भी तेजी के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन वो तेजी आपको ज्यादा दिन तक के नहीं टिकती हुई दिखाई देगी, ये आपको समझना ही है। वोडाफोन आइडिया में जब तक के सरकार अपना स्टेक का खुलासा सही तरीके से नहीं करती और उसके बाद फंड की उम्मीद आने के बाद 5G आने के बाद ही इस कंपनी की किस्मत खुलेगी, ये भी आपको सोचकर सर चलना ही चलना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सारे हिसाब किताब को अपने द्वारा जोड़ लीजिए और शेयर मार्केट में पैसा अगर कमाना है तो धैर्य का साथ दीजिए और शेयरों के काम के प्रति शेयरों को लेकर बैठ जाइए। तो सर चिट ले दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।